गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को, सभी मेरे प्यारे दुलारे विद्यार्थियों को, चेला को। बिल्कुल आ गए हैं, थोड़ा सा कुछ काम में इधर फंस गए थे, बुक वाला कुछ काम था, इसलिए चलिए कुछ नहीं दिख रहा, आप सबको दिखेगा। बीच में कैमरा ऑफ हो गया था, थोड़ा सा उसमें भी 2 मिनट लग गया, अब कैमरा ऑन हो चुका है एकदम। चंपारण की धरती से प्रणाम, खुश रहिए। तो अब आपका स्टार्ट हो चुका है एकदम, आप लोग चिंता मत कीजिए। हम लोग पिछले क्लास में जो टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था कोशिका, यानी कि आप कह सकते हैं वो टॉपिक थी सेल साइटोलॉजी हम लोग पढ़ रहे थे। आज वो टॉपिक पिछले क्लास में खत्म हो गई थी और आज हम लोग नए टॉपिक स्टार्ट किए हैं और उस टॉपिक का नाम है सेल डिवीजन, यानी उसको हम लोग कहते हैं कोशिका विभाजन। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक आपका है और वो टॉपिक का नाम क्या है, तो उस टॉपिक का नाम है सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन। चलिए खत्म हो गया था ना, बिल्कुल। चलिए थैंक यू, लव यू टू, बढ़िया से पढ़ो, एकदम गौर करना है। तो अभी हम लोग सेल डिवीजन के बारे में यानी कोशिका विभाजन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि कोशिका विभाजन है क्या, या फिर कोशिका विभाजन होती क्यों है, नहीं क्या काउज है कि कोशिका 2 भागों में बंट जाती है, कोशिकाओं के कई भाग होते हैं, कोशिकाएं कई बराबर भागों में बंट जाती है, इसका क्या रीजन है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आइए सबसे पहले सेल समझिए। कोशिका के बारे में इतना तो आप लोगों को बिल्कुल पता चल गया है कि कोशिका जो है वो किसी भी जीवों का सबसे छोटा कार्यात्मक व संरचनात्मक इकाई है जिससे कि उस जीव का निर्माण होता है। लेकिन वो एक कोशिका से सिर्फ सूक्ष्म जीव का निर्माण हो सकता है, सिर्फ छोटे जीव का निर्माण हो सकता है, लेकिन किसी आप विशालकाय जीव की कल्पना नहीं कर सकते हैं। मेरे आपके जैसे बॉडी का निर्माण सिर्फ एक कोशिका से नहीं हो सकती है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सेल में डिवीजन जरूरी है, कोशिका का विभाजन जरूरी है, यह विभाजन होना चाहिए, यानी एक सेल जो है वह डिवीजन होगा, एक सेल जो है वह विभाजित होगा और वह क्या होगा, कई भागों में बटेगा। तब ना जब वह कई भागों में बटेगा तो एक ग्रुप उसका तैयार हो जाएगा, और जब एक ग्रुप तैयार उसका हो जाएगा तो उस सेल के ग्रुप को ही आप क्या कहते हैं, उस कोशिका के ग्रुप को ही, उस कोशिका के समूह को ही टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। तो सबसे छोटी इकाई आपका क्या हो गया, कोशिका हो गया। अब ढेर सारा कोशिका जब आपस में मिलेगा तो आपको पता है कि जब बहुत सारा कोशिका आपस में कंबाइन हो जाती है, यानी ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, कई सारा ग्रुप आपस में जुड़ जाता है तब किसका निर्माण होता है, तो आप कह सकते हैं कि उससे मिलकर उत्तक का निर्माण होता है। फिर कई उत्तक आपस में मिलेगा, ढेर सारा उत्तक क्या करेगा, आपस में कंबिनेशन करेगा, आपस में वो मिलेगा तो बहुत सारा उत्तक आपस में मिलकर किसका निर्माण करेगा, अंग का निर्माण करेगा। फिर जब बहुत सारा अंग आपस में जुड़ जाएगा तो अंग तंत्र का निर्माण करेगा, जब बहुत सारा अंग तंत्र आपस में जुड़ जाएगा तो उसी से आपके बॉडी का निर्माण हो जाएगा, यानी आपके शरीर के निर्माण होने में इस कोशिका का योगदान होती है। अब हम आपको बताते हैं उसके डिवीजन के बारे में कि सर इसका डिवीजन कैसे होता है। तो गौर कीजिएगा, इसमें एक कोशिका मान लिया जाइए है, यह एक सपोज कीजिए सेल है, मान लिया जाए एक सेल है। अब ये एक सेल जब 2 भागों में बंटती है, एक सेल जब विभाजित होती है, तो जो सेल विभाजित होता है उस सेल को कहा जाता है मातृ कोशिका, याद रखिएगा मातृ कोशिका। जो सेल विभाजित होकर सर मिसियो लवियो, चलिए लव यू टू, आराम से आप लोग पढ़ते रहिए, और पिछले क्लास में हम लोग सेल डिवीजन आपका खत्म कर दिए हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी टारगेट बैच के स्टूडेंट्स हैं, चूंकि उसमें हम आपको बता चुके हैं कि कैसे आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और समझा भी चुके हैं, तो आप आराम से उसको बना सकते हैं। इसमें से जो भी स्टूडेंट्स स्पेशल बायोलॉजी के हैं, तो जो भी लोग स्पेशल बायोलॉजी में एडमिशन लिए हैं, जिनकी फी मात्र 99 थी, मात्र 99 रुपया में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं, उनका क्लास कल होगा क्वेश्चन डिस्कशन का 1 बजे से ही। कल सैटरडे है, परसों संडे है, तो कल उनका क्लास रहेगा
एक बजे से जो लोग स्पेशल बायोलॉजी में एडमिशन लिए हैं, क्लियर, आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जिन स्टूडेंट ने स्पेशल बायोलॉजी में एडमिशन लिया है, चाहे आप हो या आपके दोस्त हो, वो कल एक बजे उनको नोटिफिकेशन मिलेगी और कल वो एक बजे लाइव आएंगे। तो पहला टॉपिक जो हम आपको पढ़ाए थे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, उसका क्वेश्चन डिस्कशन होगा, क्लियर। उसके बाद क्या होगा कि फिर यदि बच जाएगा तो फिर संडे को भी उसका क्वेश्चन डिस्कशन हो जाएगा। तो सैटरडे संडे क्या होगा, स्पेशल बायोलॉजी में जो एडमिशन लिए हैं या फिर आपके दोस्त जो पढ़ना चाहते हैं उनको बता दीजिएगा, वो स्पेशल बायोलॉजी में क्वेश्चन डिस्कशन में एडमिशन लेंगे तो उनका क्या होगा, क्वेश्चन डिस्कशन भी हो जाएगा और बायोलॉजी की वो थ्योरी भी पढ़ लेंगे। मात्र फी हम बहुत कम रखे हैं, आपको पता ही है कि मात्र 99 रुपीज फी है, जिसमें हम उनको बायोलॉजी स्पेशल भी पढ़ा देंगे, इन बायोलॉजी का थ्योरी भी पढ़ा देंगे और प्रत्येक टॉपिक का क्वेश्चन डिस्कशन भी करवा देंगे। तो कल उनका क्वेश्चन डिस्कशन है एक बजे से इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी का, तो आप लोग जरूर आइएगा, क्लियर। जो नहीं है लिया है उसका कोई जुगाड़ नहीं भाई, जो स्पेशल बायोलॉजी में एडमिशन नहीं लिए हैं उनके लिए जुगाड़ यह है कि हम थ्योरी पढ़ाते हैं और कैसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है यह बताते हैं। अब आप क्या करें, जब जैसे थ्योरी खत्म होगा तो उसका ऑब्जेक्टिव आप बना लिया कीजिए, वो उसके लिए जुगाड़ है कि वो खुद से थोड़ा सा मेहनत कीजिए, मेहनत को बढ़ाइए और वो ऑब्जेक्टिव बना लीजिए, क्लियर। तो वो स्पेशल बायोलॉजी वालों के लिए था, या फिर जो साइंस फाउंडेशन में एडमिशन लिए होंगे तो साइंस फाउंडेशन वाले का भी क्वेश्चन डिस्कशन चलता है शनिवार रविवार, अब वो उनके बैच में भी, साइंस फाउंडेशन वाला में भी, एलपी फाउंडेशन वाला, इन फाउंडेशन बैच में भी आपका डिस्कशन बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव का बिल्कुल हो रहा है, फाउंडेशन वाले का भी हो रहा है, स्पेशल बायोलॉजी वाले का भी हो रहा है, क्लियर। और ये बैचे जो आपकी चलती है, ये टारगेट बैच, वो मंडे टू फ्राइडे चलता है, सैटरडे और संडे क्लास आपकी क्लोज रहती है, क्लियर। टारगेट वालों का क्लास सैटरडे और संडे क्लोज रहती है, मंडे टू फ्राइडे ही क्लास चलता है, या फिर फाउंडेशन का भी क्लास मंडे टू फ्राइडे चलता है, शनिवार और रविवार सिर्फ 1 से 2 में या 2:30 बजे तक जो भी टाइम लगे उसमें क्वेश्चन डिस्कशन उसका होता है। तो कल बायोलॉजी स्पेशल वाले का 1 बजे क्वेश्चन डिस्कशन होगा पहला टॉपिक का, फिर इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, थ्योरी पढ़ते जाएंगे और पीछे से सबका क्या करेंगे, क्वेश्चन डिस्कशन करते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे, क्लियर। चलिए हम आगे बात करते हैं, चलिए हम सेल डिवीजन के बारे में आपको बता रहे थे, अब एकदम पढ़ने पर ध्यान दीजिए। तो सेल डिवीजन में हम आपको यह बता रहे थे कोशिका विभाजन में कि कोशिका जो है वह विभाजित होती है, वह 2 भागों में बंटती है। तो जो कोशिका विभाजित होती है, ध्यान दीजिएगा, जैसे यह कोशिका है और यह कोशिका विभाजित होती है, तो विभाजित होने वाली कोशिका को क्या कहा जाता है, मातृ कोशिका कहा जाता है, यानी मदर सेल कहा जाता है। और ये एक मातृ कोशिका जब विभाजित हो जाती है तो इससे पता है 2 कोशिका का निर्माण होता है, और इससे जिन 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है, इससे जो 2 कोशिका बनता है, इस कोशिका को पता क्या कहा जाता है, इन 2 कोशिका को पुत्री कोशिका कहा जाता है। यानी एक मातृ कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है, जैसे एक हो गया पुत्री कोशिका, पुत्री कोशिका, और यह भी क्या हो गया, यह भी आपका हो गया पुत्री कोशिका। तो अब आपको सेल डिवीजन का डिफिनेशन पता हो गया कि जब एक मातृ कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब उसको हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन, यानी कोशिका विभाजन। क्लियर हो गया कि जब एक मातृ कोशिका विभाजित होकर 2 कोशिका का निर्माण करती है, 2 सेल का निर्माण करती है, तो जो डिवाइड होता है उसको मदर सेल कहा जाता है, मातृ कोशिका कहा जाता है, और जो कोशिका का निर्माण होता है उसको पुत्री कोशिका कहा जाता है। यानी एक मातृ कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है, इस प्रक्रिया को हम लोग सेल डिविजन कहते हैं, इसी को हम लोग कोशिका विभाजन कहते हैं। इसके बारे में बिरचाऊ नामक वैज्ञानिक ने बताया था, नाम याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बिरचाऊ, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि एक मातृ कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है, ध्यान से सुनिएगा, एक मातृ कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिका का निर्माण करती है, इसके बारे में किसने बताया था, या फिर सेल डिवीजन के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया था, तो आप आंसर क्या बोलोगे, तब आप आंसर बोलोगे बिरचाऊ ने बताया था, और कब, तो याद रखिएगा 1855 ईस्वी में,
इन्होंने कब इसका खोज किया था सेल डिवीजन का, तो 1855 में, 1855 ईस्वी में सेल डिवीजन के बारे में बिरचाऊ नाम के वैज्ञानिकों ने बताया और इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है, फिर वो दो पुत्री कोशिका विभाजित होती है, इस तरह से सेल डिवीजन होता है और एक नए जीव का निर्माण होता है। क्लियर, एकदम समझने पर आप लोग ध्यान दीजिए। आरबीडी साइंस जो आप खरीदे हैं, एसके दास सामान्य विज्ञान, ध्यान रखिएगा, जिन लोगों ने एसके दास सामान्य विज्ञान खरीदा है वो लोग को ये सारी मैटर मिलेगा जो हम आपको समझाते हैं। पीडीएफ की कोई चिंता आपको नहीं करनी है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा, क्योंकि समझ लीजिएगा तो याद आसानी से होगा, नहीं समझा हुआ रहेगा तो परेशानी होगी। क्लियर, चलिए, तो सब लोगों को याद हो गया कि बिरचाऊ ने सेल डिवीजन के बारे में कब बताया, तो 1855 ईस्वी में बताया। कब बताया, 1855 में, 1855 ईस्वी में बिरचाऊ ने सेल डिवीजन के बारे में बताया। बुक में 1865 दिया है, उसको सही कर लेंगे मेरे भाई, यदि बुक में ऐसा दिया हुआ है कहां भाई, तो आप इसको सही कर लेंगे, ये डाटा मिसप्रिंट है। 1865 जो आपके किताब में दिया है मेरे भाई, ये डाटा मिसप्रिंट है, इसको आप सही कर लेंगे, यहां हो जाएगा 1855। क्या हो जाएगा मेरे भाई, 1855। सेल डिवीजन के बारे में बुक में 65 है, सही करवा दिए, सभी लोग सही कर लीजिए अपने किताब में, और जिनके पास बुक नहीं है वो लिख लीजिए। चलिए, हाँ हम समझ गए, समझ गए, सभी लोग बुक वाला बोल रहे हैं, हम समझ गए, 1865 ने मेरे भाई, उसको काट दीजिएगा, 1855 ईस्वी में बिरचाऊ ने किसके बारे में बताया था, तो कोशिका डिवीजन के बारे में बिरचाऊ नामक वैज्ञानिकों ने सेल डिवीजन के बारे में बताया था 1855 में, 1855 में, और उन्होंने कहा था कि एक मातृ कोशिका जो है यह विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। कभी कभी तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, हैंडबुक ऑफ स्टूडेंट कब तक आएगा सर, वो हैंडबुक जो आपका है ये फॉर्मूला वाली बुक का हैंडबुक बहुत जल्द, यानी कल से परसों तक में आपके मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। शॉप डे से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं या मार्केट से भी ले सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, और आप लोग बुक में सही कर लिए, यदि आप लोग सही कर लिए तो जल्दी कॉमेंट में कीजिए 1855, यदि आप लोग ये कर लिए 65 को काट के 55, तो जल्दी कमेंट करके बताओ कि हाँ सर कर लिए हैं। 1855 में बिरचाऊ ने सेल डिवीजन को सबसे पहले देखा था, सबसे पहले सेल डिवीजन के बारे में बताया था कि एक मातृ कोशिका विभाजित होकर कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण करती है, तो दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा है कि जब एक मातृ कोशिका विभाजित होगी तो कितनी पुत्री कोशिका का निर्माण होगा, तो आप आंसर क्या बोलोगे कि एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। क्लियर हो गया, एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है, कोई कंफ्यूजन कहीं से भी दूर दूर तक नहीं। चलिए आगे बढ़े क्या, चलिए थैंक यू। अब हम आपसे बात करते हैं ये कोशिका विभाजन के टाइप के बारे में, तो आप देखेंगे कि ये कोशिका विभाजन जो है, जो सेल आप डिवीजन कर, बिल्कुल चलिए थोड़ा सा रिफ्रेश कर देते कमेंट, कोई दिक्कत नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब क्या है मेरे भाई, तो अब क्या है कि जो आप सेल डिवीजन कर रहे हैं, कोशिका विभाजन के बारे में आपने समझा कि सर कोशिका विभाजन में एक मातृ कोशिका विभाजित हो जाती है और दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। एक मातृ कोशिका डिवाइड होती है, विभाजित होती है, और वो कितना का निर्माण किया, तो एक मातृ कोशिका जो है वो दो पुत्री कोशिका का निर्माण किया, लेकिन वो दोनों पुत्री कोशिका जो है फिर से डिवाइड होती है और अलग अलग तरीके से क्या करती है, वह सेल का निर्माण करती है। तो उसमें क्या है कि पहले थोड़ा समझ लीजिए, आप हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि वो तीन तरह का होता है, कौन कौन होता है और किसमें होता है उसके बारे में आप समझिए। एकदम आराम से अभी आप सेल डिवीजन के बारे में यानी कोशिका विभाजन के बारे में पढ़ रहे हैं, और ये क्लियर हो गया कि कोशिका विभाजन में
एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। लेकिन यह कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है। एक को कहा जाता है असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन। दूसरा होता है समसूत्री विभाजन और तीसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। एकदम गौर कीजिएगा, कोशिका विभाजन कितना प्रकार का हो गया? सभी लोगों का क्लियर हो रहा है? एकदम आराम से समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, एकदम आराम आराम से आगे बढ़ेंगे, एकदम टेंशन नहीं लेना है। चलिए, सभी लोगों को हमको लगता है याद भी हो रहा है पक्का कि एक मातृ कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है। एकदम याद हो गया, वाह थैंक यू। अब देखिए, अब लेकिन कोशिका विभाजन को कितने भागों में बांटे? तो आप सभी लोगों को पता हो गया कि कोशिका विभाजन को हम लोग क्या किए, कोशिका विभाजन को हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर दिए। कितने भागों में मेरे भाई? तीन भागों में बांट दिए। अब कहेंगे सर कौन कौन? तो आपके सामने है असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। अब मन में सवाल आता होगा कि सर ये जो असूत्री विभाजन है या समसूत्री विभाजन है या अर्धसूत्री विभाजन, ये है क्या? तो सूत्री विभाजन का मतलब हो गया बटना, क्रोमोजोम जो दो भागों में डिवाइड होगा, गुणसूत्र या सेल जो दो भागों में डिवाइड होगा उसी को सूत्री विभाजन बोलेंगे। लेकिन इससे पहले क्या है, यहां पर ओ लगा हुआ है, एकदम गौर से देखिएगा। यह सूत्री विभाजन लिखा हुआ है लेकिन उससे पहले कौन सा टर्म यूज हुआ? तो उससे पहले ओ टर्म यूज हुआ है। और इस ओ का मतलब क्या होता है? इस ओ का मतलब होता है नहीं। उस ओ का मतलब क्या होता है? तो इस ओ का मतलब होता है नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि एक वैसा डिवीजन जिसमें क्रोमोजोम, जिसमें गुणसूत्र विभाजित नहीं होती है, उसी को असूत्री विभाजन बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो एक कोशिकीय जीव है, जिस जीव में सिर्फ एक ही सेल है, जैसे एक कोशिकीय शैवाल की बात करते हैं या फिर प्रोटोजोआ की बात करते हैं या फिर कुछ विषाणु की बात करते हैं या कुछ जीवाणु की बात करते हैं, जो एक कोशिकीय है जिसमें डिवीजन नहीं होता है, उसको किसके अंतर्गत रखेंगे? तो असूत्री विभाजन के अंतर्गत। कहां रखेंगे उसको मेरे भाई? तो उसको रखेंगे असूत्री विभाजन के अंतर्गत। सॉफ्ट डे से आप ऑनलाइन बुक किए थे, नहीं पहुंचा है, पहुंच जाएगा मेरे भाई। उस पर एक नंबर लिखा रहता है सॉफ्ट डे पे, जो आप बुक ऑर्डर करते हैं मेरे भाई, तो वहां पे एक नंबर लिखा रहता है, आप उनको कॉल करके ये पूछ सकते हैं कि बुक का क्या पोजीशन है और आपको बता दिया जाएगा कितने दिनों में पहुंचेगा। या फिर मार्केट में सारा बुक उपलब्ध है, आप वहां से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एकदम। चलो ध्यान दो, तो असूत्री विभाजन आपने समझ गया कि यदि आपसे शैवाल की बात करेगा या फिर कुछ प्रोटोजोआ की बात करेगा या फिर विषाणु की बात करेगा तो आप क्या बोलेंगे? उसमें कौन सा डिवीजन होता है? तो उसमें असूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है? असूत्री विभाजन होता है। और दूसरा आपका था समसूत्री विभाजन। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। सम का मतलब क्या होता है? बराबर। सूत्री विभाजन मतलब क्या हो गया? क्रोमोजोम का डिवीजन होना। क्लियर? तो समसूत्री विभाजन का मतलब होता मेरे भाई कि जिसमें एक मातृ कोशिका दो बराबर भागों में, या फिर आप कह सकते हैं जिसमें एक क्रोमोजोम दो बराबर भागों में बट जाती है, उस विभाजन को समसूत्री विभाजन कहा जाता है। कौन विभाजन कहा जाता है? समसूत्री विभाजन कहा जाता है। कहेगा सर कैसे होता होगा? तो सपोज करो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये जो हम बनाए ये किस चीज का सिंबल है? डीएनए का है ना, ये डीएनए का, क्रोमोजोम का ये ना सिंबल होता है। तो अब इसमें डिवीजन में क्या होता है समसूत्री विभाजन में, कि ये दो भागों में बट जाती है। कितने भागों में? दो भागों में बट जाती है, यानी एक ऐसे हो जाता है और एक ऐसे हो जाता है। तो ये जो एक पहले था और अब आप देख रहे हैं
ये दो बराबर भागों में बट गया है, तो इस डिवीजन को ही क्या कहा जाता है, इस विभाजन को ही समसूत्री विभाजन कहा जाता है। क्लियर हुआ सभी लोगों को? एकदम गौर से देखिएगा, असूत्री विभाजन क्या है, समझ गए कि जिसमें क्रोमोजोम का डिवीजन नहीं होता है, जिसमें गुणसूत्र का विभाजन नहीं होता है, उसी को हम लोग असूत्री विभाजन कहते हैं। जैसे एक कोश के सेवाल की बात करेगा, कुछ बैक्टीरिया की बात करेगा, कुछ वायरस की बात करेगा, तो उसमें असूत्री विभाजन होगा। और एग्जाम्पल आपके सामने है। अब हम समसूत्री की बात आपसे किए तो आपको पता चल गया कि सर समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि क्रोमोजोम जो है वो दो बराबर भागों में क्या होती है, बटती है। तो जब क्रोमोजोम दो बराबर भागों में बटती है तो उसको समसूत्री विभाजन कहा जाता है। अब जैसा कि यहां पर आप देख रहे होंगे, ये डीएनए जो है, क्रोमोजोम जो है, या दो बराबर भागों में क्या हो गया, बट गया। तो कौन सा डिवीजन हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ, जिसमें एक क्रोमोजोम दो बराबर भागों में बट गया। लेकिन मन में सवाल आया होगा कि सर यह समसूत्री विभाजन होता किसमें है, तो याद रखिएगा प्रायः सभी जीव जंतु में समसूत्री विभाजन होता है। प्रायः जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं, चाहे हम हो या आप हो या अन्य कोई भी जीव जंतु हो, उस जीव जंतु में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, उसमें समसूत्री विभाजन होता है। किसी भी जीव जंतु में किस प्रकार का विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। कैसा, समसूत्री विभाजन होता है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन के बारे में बोलेगा तब ध्यान रखिएगा, जिसमें एक मातृ कोशिका चार पुत्री कोशिकाओं में बटती है, तब उसको अर्धसूत्री विभाजन बोलते हैं। उसमें क्या होता है आपको पता है, जैसे ये है और ये है, अब ये चार भागों में बट जाएगी। कैसे, अब देखो, दिख रहा है मेरे भाई, हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को दिखता होगा। देखो, एक पार्ट इसका ई हो गया, दूसरा पार्ट ई हो गया, तीसरा पार्ट ई हो गया, और चौथा पार्ट ई हो गया। अर्धसूत्री विभाजन को ध्यान से देखो, अर्धसूत्री विभाजन में क्या बोले, इसमें एक मातृ कोशिका चार पुत्री कोशिका में डिवाइड होती है, और समसूत्री में क्या बताए, एक मातृ कोशिका दो पुत्री कोशिका में डिवाइड होती है। अब अर्धसूत्री में कितना भाग हो गया, एक दो तीन और चार, यानी चार बराबर भागों में यह बट गया। अब कहिएगा सर ये अर्धसूत्री विभाजन कहां होता है, तो याद रखना मेरे भाई, अर्धसूत्री विभाजन होता है जब बच्चे मां के गर्भ में होता है, या फिर कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा डेप्थ में पूछता है कि बताइए शुक्राणु में, बताइए अंडाणु में, यानी शुक्राणु के सेल में या अंडाणु के सेल में किस प्रकार का डिवीजन होता है, ऐसा भी तो सवाल पूछ सकता है। तो याद रखना, जब शुक्राणु की बात करें, अंडाणु की बात करें, सेक्स सेल की बात करें कि उसमें किस प्रकार का डिवीजन होगा, या भ्रूण में किस प्रकार का डिवीजन होगा, तो याद रखना उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। जबकि एक सामान्यतया मानव की बात होगा, जीव जंतु की बात होगा कि उसमें किस प्रकार का विभाजन होगा, तब आप क्या बोलेंगे, उसमें समसूत्री विभाजन होगा। कोई कंफ्यूजन, तो आपने उम्मीद करते हैं आपसे, हम बिल्कुल हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपने ये तीनों प्रोसेस समझ गया होगा, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री, यानी माइटोसिस, ए माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन के बारे में आपने समझ गया। इसको कहा जाता है माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, ये तीन प्रकार का डिवीजन होता है। हाँ, जनन कोशिका की बात करेगा, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन किया है। यदि जनन कोशिका की बात करेगा कि जनन कोशिका में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो याद रखिएगा जब जनन कोशिका की बात करेगा, सेक्स सेल की बात करेगा, स्पर्म की बात करेगा, ओभम की बात करेगा, तो उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। किसी जीव जंतु में बात करेगा, समसूत्री विभाजन होगा। या फिर घाव भरने की बात करेगा, कोई डेंजर जगह है, कोई कट गया, छट गया, उसके भरने की बात करेगा, तो समसूत्री विभाजन होगा। प्रायः सभी जीव जंतु में किस प्रकार की विभाजन होती है, तो समसूत्री विभाजन होती है। शायद आप लोगों को याद हो गया, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को। अब जितनी भी सारी बातें समझाए, आगे आप को हम दिखाते हैं, जो कि आपके बुक में भी, या फिर आप कह सकते हैं आपके पीपीटी में भी लिखा गया है। लेकिन है क्या कि अभी जो आपने असूत्री विभाजन पढ़ा वो क्लियर था कि जिसमें कोशिका का विभाजन नहीं होता है, जिसमें क्रोमोजोम दो भागों में डिवाइड नहीं होती है, यानी एक वैसा विभाजन जिसमें एक मातृ कोशिका
पुत्री कोशिका में नहीं बटती है उसी को बोलते हैं अशुत्री विभाजन। जैसे नीलहृद शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कुछ विषाणु हो गया, कुछ जीवाणु हो गया, वो सब। लेकिन क्या है कि समसूत्री विभाजन जो बताए, जिसमें एक मातृ कोशिका दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है, उसको भी दो भागों में बांटा गया। यानी समसूत्री विभाजन का भी दो टाइप है। और फिर उसमें क्या है, कैरियोकिनेसिस, साइटोकिनेसिस में भी फिर उसको डिवाइड किया गया पांच भागों में, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, प्रोफेज, इंटरफेज, कई भागों में बांटा गया। तो बारी बारी से हम लोग सब फेज के बारे में पढ़ेंगे। तत्काल आप यहां तक समझ गए तो हम आपको दिखा देते हैं, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। क्लियर? अब देखिए कोशिका विभाजन को कितने भागों में बांटा गया, तो आप सभी लोगों को पहले से याद हो गया, समझा चुके हैं, याद भी हो गया, तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन? अशुत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू वेरी मच। आराम से एकदम पढ़िए, एकदम याद करते जाइए। जितना हम जोर दे रहे हैं, जितना बार हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं, एकदम याद करने का चला प्रयास करो, क्योंकि याद रखना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। पीडीएफ एकदम नहीं मिलना है भाई, क्यों? क्योंकि उसका बुक आपके पास है, इसके दा सामान्य विज्ञान, उसमें सब कुछ लिखल है। आ ये जो पीपीटी है सामने, एकरा बोलते हैं पीपीटी, जो आपको स्लाइड दिख रहा है, इस पे भी वो सब लिखल है। इसलिए एकदम प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इंटरफेज सब आगे पढ़ाएंगे। वाह, ये सब भी याद हो गया, कितना बांटते हैं सर। देखिए सेल डिवीजन थोड़ा सा टफ टॉपिक है, एकरा में तनियोग तुम छटपट आया या तनियोग घबराया तो मामला चल जाएगा बोरा में। इस टॉपिक देखो, सेल बहुत आसान टॉपिक था, वो तुम आसानी से समझ गया, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी हम फास्ट करेंगे जाएगा मामला गड़बड़ा। इसलिए जितना स्थिर से समझा रहे हैं, थोड़ा दिमाग में घुसा रहे हैं, आराम आराम से घुसाओ, एकदम एकराम नहीं हड़बड़ाना। हाँ, बंटवारा हम ढेर करेंगे, क्योंकि सबसे पहले तुमने देखा कि सेल डिवीजन में बताए कि एक मातृ कोशिका विभाजित होगी और दो पुत्री कोशिका का निर्माण होगा। तुम बहुत बढ़िया से बात बुझ गया कि सही है, बात है सर, एक मातृ कोशिका विभाजित हुआ और दो पुत्री कोशिका का निर्माण किया, इसमें कोई डाउट तो नहीं ना था, एकदम नहीं हुआ। फिर तुमको बताए कि सब ये कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है, कहेगा सर कौन कौन? असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री, ये तीनों याद होना चाहिए। आपके पढ़ते हैं तो याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वाह प्रीतम गौस्वामी, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, यदि तुम ध्यान से मेरे क्लास को देखोगे तो निश्चित रूप से तुमको याद होगा, बायोलॉजी के महाजादूगर राहुल सावर्ण सर, थैंक यू वेरी मच। अरे जादूगर नहीं है चला, यह एक कला है जिससे कि हम तुमको आसानी से समझा पाते हैं। लेकिन हाँ, जब तुम चाहेगा कि हमको पढ़ लेना है, हमको समझ लेना है, हमको जान लेना है, क्योंकि हमको नौकरी लेना है, तो निश्चित रूप से तुमको ये सब याद हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो यहां तक तो याद हो गया कि कोशिका विभाजन को तीन भागों में बांटा गया, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री, असूत्री, समसूत्री, अर्धसूत्री, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब हम तुमसे बात करते हैं असूत्री विभाजन का, तो क्लियर हो गया यह विभाजन किसमें होता है, तो जीवाणु में होता है, नीलहृद शैवाल में होता है, कुछ प्रोटोजोआ में होता है, कुछ विषाणु में होता है, क्योंकि इस क्रिया में जो है पूर्णतया विभाजन जो है एक मातृ कोशिका का नहीं होता है, इसमें केंद्र में संकुचन होता है। इसमें जो कुछ विषाणु का, कुछ जीवाणु का या प्रोटोजोआ का या शैवाल का निर्माण होता है, तो इसमें क्या होता है कि उसके केंद्र में संकुचन होता है और उसके संकुचन के फलस्वरूप दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है, साथ साथ कोशिका द्रव में भी विभाजन होता है। इस प्रकार एक मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। यानी इसमें ध्यान रखना है कि उसमें समसूत्री की तरह से क्रोमोजोम का डिवीजन नहीं होता है, उसमें केंद्र का संकुचन होता है और केंद्र संकुचित होकर दो भागों में बट जाती है, इन दो पुत्री कोशिका में बट जाती है, और उससे हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। और यह किसमें होता है, तो शायद आपको याद हो गया, जीवाणु रहे, कुछ विषाणु रहे, प्रोटोजोआ रहे, शैवाल रहे, उसमें अर्धसूत्री विभाजन, सॉरी प्रोटोजोआ रहे, शैवाल रहे, जीवाणु रहे या विषाणु रहे, उसमें असूत्री विभाजन होता है। क्लियर हो गया? कौन विभाजन होता है? असूत्री विभाजन होता है। क्लियर? चलिए, अब क्या है मेरे भाई कि अब दूसरा इसमें है समसूत्री विभाजन, यानी माइटोसिस डिवीजन। बोले थे ना, एक होता है ए माइटोसिस,
एगो माइटोसिस एगो मियोसिस यानी असूत्री विभाजन ए माइटोसिस, समसूत्री विभाजन माइटोसिस, अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस। याद हो गया मियोसिस माइटोसिस ए माइटोसिस पक्का। चलो अब देखो क्या है समसूत्री विभाजन में कि समसूत्री विभाजन जो है इसमें एक मातृकोशिका समान रूप से बराबर रूप से दो भागों में बट जाती है और दो मातृकोशिका का निर्माण कर सॉरी दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है यानी एक हाँ देखिए अर्धसूत्री में भी दो पुत्री कोशिका का निर्माण होता है लेकिन उसमें डिवीजन से नहीं होता है उसमें केंद्र के संकुचन से होता है याद रखिएगा। अदलेट से आया संदीप सिंह गलत बात है मेरे भाई एकदम समय से आया करो समय से पढ़ा करो गुरुजी एक निंद मार लिए गलत न बात है रे सूत गया तो निंद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं मेरे भाई याद रखना निंद कहाँ उनकी आंखों में जो धुन के मतवाले हैं गति की तृष्णा और बढ़ती है जब पांव में पड़ते छाले हैं। और तुम छोटा सूत रहा है गलत बात है पढ़ो एकदम पढ़ो किसी भी सूरत में क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा एकदम नौकरी लेना है इस बार हर हालत में क्लियर। चलिए तो आइए हम लोग आपको कुछ चर्चा कर रहे थे क्लियर हो गया कि समसूत्री विभाजन में क्या होता है कि समसूत्री विभाजन में एक मातृकोशिका समान रूप से बढ़ती है और दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती लिखा भी है इसमें एक मातृकोशिका दो पुत्री कोशिका का निर्माण करती है दो बराबर भागों में बट जाती है। इसका खोज किसने किया था वाल्टर फ्लेमिंग ने 1879 में। समसूत्री विभाजन के बारे में वाल्टर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिकों ने 1879 ईस्वी में बताया था। ऐप अपडेट भी किया हूं अच्छी बात है बढ़िया किया है अच्छा चल रहा होगा तो याद रखना है कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा कि समसूत्री विभाजन के बारे में किसने बताया था तो वाल्टर फ्लेमिंग ने बताया था। समसूत्री विभाजन के बारे में किसने बताया था वाल्टर फ्लेमिंग ने बताया था। कब बताया था तो 1879 में बताया था। क्या बताया था कि एक मातृकोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है उसमें क्रोमोजोम का डिवीजन होता है और क्रोमोजोम डिवीजन होकर दो पुत्री कोशिका का निर्माण कर देती है। कैसे ही होता है तो उत्तर हम बतेवे किए कि मान लिया जाए ऐसे है अब ये डिवीजन हो जाएगा एक ऐसे दो अलग अलग पार्ट्स में यह बट जाएगा इस तरह का डिवीजन तुमको देखने को मिलेगा जो यहां पर देख रहा है ये देखो बट गया एगो ने चल गया एगो ने चल गया। तो जब एक मातृकोशिका विभाजित होगा दो पुत्री कोशिका का निर्माण करेगा तो उसी को बोलते हैं कि क्या चीज समसूत्री विभाजन किसमें होता है तो ये तो बताइए दिए तुमको कि प्रायः सभी जीव जंतु में जो सेल डिवीजन होता है वो समसूत्री विभाजन ही होता है या फिर कहिए घाव हो जाता है गड्ढा हो जाता है चोट लग जाता है तो उस सब जो भराता है ना वो सब समसूत्री विभाजन के कारण ही क्योंकि क्वेश्चन पूछता है कि जख्म को भरने में कौन सा सेल डिवीजन उपयोगी होता है तो समसूत्री विभाजन। प्रायः जीव जंतु में किस प्रकार का विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन। लेकिन समसूत्री विभाजन दो प्रकार का होता है कितने प्रकार का तो याद रखना दो प्रकार का। सबसे पहले तो आपने यही याद किया कि समसूत्री विभाजन के बारे में सबसे पहले किसने बताया था तो वाल्टर फ्लेमिंग ने कब बताया था 1879 में। फिर बाद में चलकर अन्य वैज्ञानिकों ने भी इसके बारे में बताया इस पर रिसर्च किया लेकिन सबसे पहले याद रखिएगा कि समसूत्री विभाजन के बारे में सबसे पहली बार वाल्टर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1879 में बताया। अब है कि समसूत्री विभाजन भी दो प्रकार का होता है कितने प्रकार का तो समसूत्री विभाजन भी दो प्रकार का होता है। कहेगा सर कौन कौन तो एक को कहा जाता है कैरियोकिनोसिस और दूसरे को कहा जाता है साइटोकिनोसिस। याद रखिएगा मन में तुरंत सवाल आया होगा कि सर कौन कौन होता है तो याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे समसूत्री विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। समसूत्री विभाजन एकदम ने हार बढ़ाइएगा अभी सेल डिवीजन चैप्टर का नाम था एक चैप्टर का नाम था कोशिका विभाजन तो इसको कितना भाग में हम लोग बांटेंगे लेकिन तुमको घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले तुमने देखा कि एक मातृकोशिका दो पुत्री कोशिका में बढ़ता है कोई दिक्कत तुमने हुआ फिर देखा कि कोशिका विभाजन तीन प्रकार का होता है कौन कौन तुमको याद भी हो गया जल्दी कमेंट करके बताओ असूत्री समसूत्री अर्धसूत्री कोई दिक्कत नहीं असूत्री का हम कोई टाइप नहीं बताए। अब हम तुमको बताते हैं समसूत्री विभाजन के बारे में याद रखना समसूत्री विभाजन को दो भागों में बांटा गया कितने भागों में तो समसूत्री विभाजन जो है
इसको दो भागों में बांटा गया, एक को कहा जाता है कैरियोकिनोसिस, क्या कहा जाता है कैरियोकिनोसिस, और दूसरे को कहा जाता है साइटोकिनोसिस। क्लियर हो गया? एकदम गौर कीजिएगा, स्टूडियो में पंखा लगाइए, गर्मी में पढ़ा रहे हैं, एकदम गर्मी में देख रहा पसीना टप टप करता है। चला जिसे पंखा लगा देंगे ना तो क्या होगा, वो आवाज करेगा तो फिर तुम लोगों को पढ़ने में प्रॉब्लम होगा। एक पंखा हालांकि बहुत दूर में लगा हुआ है, वो लगभग 1 किलोमीटर दूर लग रहा है हमसे है, यहाँ तक हवा पहुँच ही नहीं पाता है। फैन तो लगले है लेकिन वो बहुत दूर है तो वो हवा हम लोग तक नहीं आ रहा है। देखते हैं तुम लोग, अरे पैसे बहुत कम हम लोग फी लेते हैं, इतना कम फी में कैसे एसी लगाएंगे। तो धीरे धीरे थोड़ा कमाते हैं कुछ पैसा, थोड़ा किताब उताब से भी आएगा, तब क्या करेंगे हम लोग आराम से जो है इसमें एसी लगवा लेंगे तब ठीक रहेगा। लेकिन तुम लोग गर्मी में नहीं रहे, तुम लोग आराम से पढ़ रहे। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन सबको याद हो गया। चलो अब यह बात जल्दी याद कर, जल्दी कमेंट में बताओ कि समसूत्री विभाजन कितना प्रकार का हो गया। याद रखना मेरे भाई, समसूत्री विभाजन दो प्रकार का हो गया। कौन कौन? तो एक को कैरियोकिनोसिस कहते हैं और दूसरे को क्या कहा जाता है, साइटोकिनोसिस कहा जाता है। समसूत्री विभाजन कितना प्रकार का? तो समसूत्री विभाजन भी दो प्रकार का। कौन कौन? तो एक को कैरियोकिनोसिस और दूसरे को कहा जाता है साइटोकिनोसिस। कौन कौन? कैरियोकिनोसिस और साइटोकिनोसिस। क्लियर हो गया? अब मन में आता होगा सर इसका हिंदी, तो बायोलॉजी एक ऐसा चीज है चला कि उसका हिंदी बड़ा मुश्किल हो जाएगा बताना, तो इसलिए नहीं है हिंदी समझो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अंग्रेजी में तुरा नाम याद करना है, अंग्रेजी एग्जामो देगा तो क्वेश्चन लिखा रहेगा। बात बुझा? एसी लगा है पैसा है रे चला, उतना पैसा नहीं ना जैसी लगाएंगे तो लोग सोतना पैसा लेते हैं जान दे दिया तोरा। अरे लक्ष्मी दुग लगे मारबो इतना मार की। चलो याद कर, याद कर, मारेंगे चट्टा पर। अब देखो बाबू, समसूत्री विभाजन में कितना टाइप तोरा बता दिए, तो समसूत्री विभाजन याद हो गया दो प्रकार का। अब मन में कहेगा सर कौन कौन, तो एक हो गया कैरियोकिनेसिस और दूसरा क्या हो गया साइटोकिनेसिस। कौन कौन हो गया? दो हो गया, कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। अब कहेगा सर एकर हिंदी बताइए, तो बायोलॉजी एगो ऐसा सब्जेक्ट है जेकरा में हिंदी जो है ओकर अंग्रेजियों से ज्यादा टप रहता है और यूज भी नहीं होता एग्जाम में, तो तुरंत एग्जाम पास करना है एकरा से, तो तुरा हम लगता है डॉक्टरी पढ़ाई करना नहीं है, एमबीबीएस बनना नहीं है, तो इसलिए तुरा की करना है एकर हिंदी नहीं जानना है, सिर्फ समझना ही होता क्या है। तो याद रखना ये जो कैरियोकिनोसिस होता है ये प्रायः जीव जंतु में होता है और इस साइटोकिनेसिस जो होता है ये प्रायः पेड़ पौधा में होता है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ये प्रायः जीव जंतु में, ये प्रायः पेड़ पौधे में होता है, या फिर कह सकते हैं जब मान लीजिए सेल घाव वगैरह हो जाएगा वो भरने उड़ने के लिए मैक्सिमम जो है आपको समसूत्री विभाजन का यूज होगा। तो आगे हम इसका यूज पढ़ाएंगे, तत्काल आप इतना समझिए, तुम भी गर्मी में पढ़ रहा अच्छी बात है, अरे हम गर्मी में पढ़ा रहे तुम गर्मी में पढ़ रहा कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो समसूत्री विभाजन को कितने भागों में बांटे? दो भागों में। कौन कौन? कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस। याद हो गया? अब यदि हम तुमसे बात करेंगे कि कैरियोकिनेसिस क्या है या फिर बात करेंगे साइटोकिनेसिस क्या है, तो ध्यान देखना ये जो कैरियोकिनेसिस है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, इसीलिए अभी तक हम आगे नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि तुम फिर कहेगा सर कितना भाग में बांटते हैं, एकदम बउआ नहीं घबराना, इसको कई भागों में कई बार बांटेंगे, थोड़ा एकदम टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ बातें हैं। कहेगा सर क्या बात है, तो एकदम गौर से देखना कि सबसे पहले तुम क्या देखा कि समसूत्री विभाजन को दो भागों में बांट दिए, कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन? तो एक कैरियोकिनेसिस, दूसरा साइटोकिनेसिस। याद यदि हो गया तो जल्दी कमेंट करके बताओ, एक कैरियोकिनेसिस और दूसरा साइटोकिनेसिस। अब क्या करेंगे, आपका जो ये कैरियोकिनेसिस होता है इसको पांच भागों में बांटा गया। कैरियोकिनेसिस को कितने भागों में बांटा गया? पांच भागों में। जस्ट हम लिखते हैं पांचों भाग, कैरियोकिनोसिस। क्लियर? अब देखो कैरियोकिनोसिस को कितने भागों में? पांच भागों में।
समसूत्री विभाजन को दो भागों में, कैरियोकिनेसिस और साइटोकिनेसिस, और कैरियोकिनेसिस को पांच भागों में। कहेगा सर कौन कौन, तो याद रखिएगा इंटरफेज, दूसरा प्रोफेज, तीसरा मेटाफेज, मेटाफेज, चौथा एनाफेज, पांचवा टेलोफेज। एकदम सारा नाम अंग्रेजी में ही रहेगा और अंग्रेजी में ही तुमको याद करना है, इसलिए मेरे भाई बार बार इसलिए बोलते हैं कि तुम भी जल्दी जल्दी बार बार बोलो और तुरंत तुरंत याद करके कमेंट करो। क्लियर हो गया कि समसूत्री विभाजन को कितने भागों में बांटा गया, यानी माइटोसिस डिवीजन जो है उसको दो भागों में बांटा गया, एक कैरियोकिनेसिस दूसरा था साइटोकिनेसिस, एक कैरियोकिनेसिस और दूसरा क्या हो गया साइटोकिनेसिस। चलिए ये चीज याद हो गया साइटोकिनेसिस और कैरियोकिनेसिस। अब ध्यान देना है कि कैरियोकिनेसिस जो है इसको पांच भागों में बांटा गया, कितने भागों में, पांच भागों में, कौन कौन, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ कि कैरियोकिनेसिस को कितने भागों में, पांच भागों में, कौन कौन, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, कितने भागों में, पांच भागों में, कौन कौन, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। याद हुआ पक्का एकदम। चलिए याद रखना मेरे भाई कि आपका जो ये कैरियोकिनेसिस है इसको पांच भागों में बांटा गया, कौन कौन, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तत्काल पांचों का नाम तुम याद कर लो, फिर अगले क्लास में जब तुमसे मुलाकात होगी तो फिर क्या करेंगे, यानी मंडे को जब आपसे मुलाकात होगी तो मंडे को फिर इंटरफेज के बारे में, फिर प्रोफेज के बारे में, मेटाफेज के बारे में, एनाफेज के बारे में, इसके बारे में काफी डिटेल से स्टडी हम लोग करेंगे। कब पता है, कब कीजिएगा, मंगलवार, ये सोमवार से जब क्लास होगी तो इसको आगे बढ़ाएंगे। आज हम आपकी सेवा ही रोकते हैं। अब ध्यान रखिएगा जिन बच्चों ने स्पेशल बायोलॉजी में एडमिशन लिया है, जिन बच्चों ने स्पेशल बायोलॉजी में एडमिशन लिया है 99 रुपीज का, उनका कल क्लास है, सैटरडे को भी क्वेश्चन डिस्कशन होगा। जिनका साइंस फाउंडेशन का क्लास होगा या एलपी फाउंडेशन का क्लास होगा उन लोगों का भी क्वेश्चन डिस्कशन होता है एवरी सैटरडे और संडे को, तो कल उनका क्लास है जिन्होंने बायोलॉजी स्पेशल में एडमिशन लिया है। थैंक यू वेरी मच।